हिंदू धर्मानुरागी बंधुओं, आप सब एक बार मेरे साथ उद्घोष करेंगे, बोलिए सनातन हिंदू धर्म की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उद्घोष इतनी जोर की होनी चाहिए कि पशुपतिनाथ से लेकर के और रामेश्वरम तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। सनातन हिंदू धर्म की, वैदिक हिंदू राष्ट्र की, वैदिक हिंदू राष्ट्र की, भगवान पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ भगवान की, गोरखनाथ भगवान की, गोरखनाथ भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। विश्व हिंदू महासंघ के इस अंतर्राष्ट्रीय विराट हिंदू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपस्थित जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, दुनिया के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट श्रीपाच महाराज ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी, सामान्य हिंदू सामग्री, इस मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत चरण, इस संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के मार्गदर्शक जनरल भरत केसर सिंह जी, विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल कार्की जी, उपाध्यक्ष श्री अर्जुन बास्तोला जी, सेक्रेटरी जनरल प्रमोद जी, विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधिगण, सम्मानित आचार्यगण, उपस्थित अतिथिगण और इस हिंदू राष्ट्र नेपाल से जुड़े हुए सभी धर्मानुरागी बंधुओं, उपस्थित मातृशक्ति, भगवान पशुपतिनाथ को यश पवित्र परिसरमा विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय विराट हिंदू महासम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रम को अवसर में तपाईहरु सबैको उत्साहमूलक उपस्थिति देखर मलाई हृदय बाटने प्रसन्नता भैरे को छ। वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल र नेपाली का प्रतीक शाह राजवंश संस्था के प्रति भगवान गोरखनाथ जी का पार कृपा रहे को आई छ। यही संदेश दिन में आज तपाईहरु समक्ष उपस्थित भाई को छो। सज्जनों, जब मैं नेपाल में आता हूं तो हम सबको एक भावनात्मक लगाव नेपाल के प्रति, यहां की राज संस्था के प्रति और यहां की जनता जनार्दन के प्रति हम सबके अंदर देखने को मिलता है। अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी ईमानदारी और दुनिया में अपने शौर्य और पराक्रम के लिए नेपाल का नागरिक जाना जाता है। नेपाल
आज अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। यह पहचान कभी भगवान गोरक्षनाथ की कृपा से, बड़ा महाराज पृथ्वीनारायण सहदेव जी की कृपा से, नेपाल के एकीकरण के माध्यम से आप सबको प्राप्त हुआ था। आज नेपाल को बांटा जा रहा है, हिंदू समाज को आपस में बांटा जा रहा है। कभी पूरे नेपाल को बाईसी और चौबीसी को एक साथ जोड़ करके वर्तमान नेपाल को जिस महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने एक सर्वसर्वप्रभु संपन्न स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था, आज वह चीख चीख करके प्रत्येक हिंदू को इस बात के लिए चुनौती दे रहा है कि आखिर नेपाल ने, एक नेपाल ने, स्वतंत्र नेपाल ने दुनिया के किसी जाति, किसी मत, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय का बिगाड़ा क्या था, क्या आज नेपाल की इस हिंदू पहचान को समाप्त किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग नेपाल में कहीं आते हैं, नेपाल के आम जन के प्रति, राज संस्था के प्रति उनके मन में जो आदर का भाव है, मैं देख रहा था, चाहे वह मैं भी पशुपति क्षेत्र में, भगवान पशुपतिनाथ के इस परिसर में हम सब एकत्र हैं, हम लोग जब यहां पर आए थे मैंने एक ही नारा सुना कि हमरो देश हमरो देश, हमरो राजा हमरो देश, प्राणों से प्यारा बंधोचा। मैं जब नवलपरासी में भगवान गोरक्षनाथ के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिंदू सम्राट श्री पांच ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी को आमंत्रित करने के लिए गया था और यहां वहां उपस्थित हुए थे, जितनी उपस्थिति आपकी यहां पर है इससे दुगनी उपस्थिति वहां पर थी, और तमाम चुनौतियों के बावजूद वहां पर महाराज जादिराज वहां पहुंचे थे, यही उत्साह यही नारे वहां भी लग रहे थे। नेपाल के अंदर आज के दिन पर मैं भी, आज के दिन भी विपरीत परिस्थितियों में भी 95% लोग सनातन हिंदू धर्म और उससे निकले हुई उपासना विधि के अनुयायी हैं, उस सब के बावजूद नेपाल अपनी हिंदू पहचान को क्यों नहीं बना पा रहा है, यह हम सब के लिए एक प्रश्न बना हुआ है। आधुनिक लोकतंत्र की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि दुनिया का लोकतंत्र का संदेश देने वाला ब्रिटेन अपनी राज संस्था को बचाता है, जापान अपनी राज संस्था को बचाता है, अभी थाईलैंड में आपने देखा होगा वो अपनी राज संस्था को बचाता है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, आखिर नेपाल 2.5 करोड़ से जुड़ा हुआ है, नेपाल जिस नेपाल के राजा को सनातन हिंदू धर्म के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, सनातन हिंदू धर्म के तीर्थों में, गर्भगृह में, या तो हमारे आचार्य शंकराचार्य जा सकते हैं या फिर नेपाल नरेश को ही वहां पर जाने का अधिकार है, आखिर इससे नेपाल को क्यों, सम्मान से नेपाल को वंचित करने का षड्यंत्र क्यों हुआ है, यह प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए विराट हिंदू महासम्मेलन में महाराजाधिराज का इस कार्यक्रम में आगमन 10 वर्षों के बाद हुआ है, 10 वर्षों के बाद उनका आगमन विश्व हिंदू महासंघ के इस मंच के माध्यम से एक नए संदेश को पूरे नेपाल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म में एक नया तेज, एक नया ओज पैदा करने में सक्षम होगा, इस विश्वास के साथ मैं महाराजाधिराज से इस विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से इस बात का उससे आग्रह करूंगा कि वास्तव में वे नेपाल के एक राजनीतिक इकाई के राजा रहे होंगे, लेकिन हिंदू सम्राट के रूप में दुनिया का प्रत्येक हिंदू उन्हें
हिंदू सम्राट के रूप में मान्यता देता है, उन्हें सम्मानित करता है और सम्मान नेपाल के इस राज संस्था ने उस सम्मान को बनाए रखा है, विपरीत परिस्थितियों में बना रखा है। हमारे भारत से आए प्रतिनिधि श्री रघुनंदन शर्मा जी ने इस बात का उल्लेख किया भी कि भारत तमाम प्रकार के विदेशी आक्रांताओं को झेलता रहा, भारत तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को, हमलों को झेलता रहा, गुलामियों को झेलता रहा, लेकिन हिमालयी राष्ट्र नेपाल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। किसके कारण? शाह राजवंश के कारण। यह शाह राजवंश नेपाल की एकता का प्रतीक है, नेपाल की इंटीग्रिटी का प्रतीक है, नेपाल की एकता का प्रतीक है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेपाल को एक नेपाल, श्रेष्ठ नेपाल और एक समर्थ नेपाल के रूप में आगे बढ़ना है तो शाह राजवंश की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना और उसके प्रति आदर के साथ साथ उस परंपरा को पुनर्जीवित करना, यह प्रत्येक हिंदू का दायित्व बनता है। और इस दायित्व के साथ हम सबको मिलकर के पूज्य धर्माचार्यों को जन जागरण के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह पहचान का संकट है आपके सामने। सनातन हिंदू धर्म ने किसी कालखंड में किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी सेक्ट का कभी कोई विरोध नहीं किया, किसी प्रकार का अपकार नहीं किया। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने भी तो यही कहा था कि नेपाल में सभी जाति, सभी मत, सभी पंथ, सभी संप्रदायों का सम्मान होगा। हमने कब इस बात को कहा कि हम किसी अन्य मत और मजहब को यहां नहीं सम्मान देंगे? पूरे शाह राजवंश की परंपरा को आप देखिए, लेकिन आज सेकुलरिज्म के नाम पर क्या हो रहा है? हमारा सनातन हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द ही एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। हमारा शास्त्र कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग करते हैं उनकी मानसिकता का अनुमान आप लगा सकते हैं कि वे किस लोक में जी रहे हैं और किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करके आपको कहां पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए एक बार पुनः हम आह्वान करेंगे, बहुत अपेक्षाएं हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के इस सम्मेलन से। नेपाल में एक तड़प है, रेफरेंडम की मांग यहां बार बार हो रही है नेपाल के अंदर कि आखिर क्यों नेपाल को उसकी पहचान से वंचित किया जा रहा है। कोई भी मिलता है, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो हम लोगों को मिलता है कहीं भी, कल मैं जब आ रहा था मुझे एयरपोर्ट पर तमाम दलों के लोग, अलग अलग लोग मिले, वर्तमान भी पूर्व भी सभी लोग मिले, पूछते थे आप कहां जा रहे हैं, मैंने कहा नेपाल काठमांडू में सम्मेलन में। क्या सम्मेलन है? मैंने कहा वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का वहां पर सम्मेलन है। कहा आप लोग किस बात को करेंगे? हमने कहा हिंदू पहचान को बनाए रखने के लिए। नेपाल की तीन पहचान, हिंदू राज संस्था, हिंदू राष्ट्र की पहचान और हिंदू प्रजा। तो कहा कि ये तो होना ही चाहिए, यानी व्यक्तिगत रूप से कोई भी मिले, कोई भी इस बात को इंकार नहीं करता कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामूहिक रूप से इस आवाज को उठाने की बात होती है, जब संसद में इस बात को रखने की आवाज होती है, सब मौन हो जाते हैं। ये मौन खतरनाक है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नेपाल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भगवान पशुपतिनाथ के संरक्षण में, भगवान गोरक्षनाथ के संरक्षण में, आदिशक्ति मां भवानी गुंजेश्वरी देवी के संरक्षण में नेपाल की प्रजा एक बार पुनः खड़ी होकर के अपनी सिंधु पहचान को बचाए रखने के लिए आगे बढ़ें। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि दुनिया का हिंदू आपके साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वो आपके सहयोग के लिए खड़ा होगा, क्योंकि हमने कभी किसी का हित नहीं किया,
हमने तो सबके सुख की कल्पना की है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और इस भाव के साथ यह विराट हिंदू सम्मेलन एक बार पुनः अपने पुराने वैभव को, नेपाल की उस पुरानी पहचान को पुनर्स्थापित करने के पूरे आंदोलन का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। और मैं तो चाहूंगा कि नेपाल के अंदर हिंदू चेतना जगाने का मतलब यहां की राष्ट्रीय चेतना को जगाना, नेपाल को बचाना, नेपाल की पहचान को बचाना। महाराजा विराज पूरे नेपाल के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं, इसी प्रकार का विराट समुदाय उनके स्वागत और सम्मान के लिए उमड़ता हुआ दिखाई देता है। उस सम्मान को जोड़ करके और फिर नेपाल के अंदर की सांस्कृतिक लड़ाई को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि लड़ाई केवल किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, नेपाल की पहचान को बनाए रखने के लिए है। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं भारत इकाई की ओर से विश्व हिंदू महासंघ के इस पूरे अभियान में पूर्ण सहयोग और पूरी हर प्रकार के सहयोग के साथ आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान गोरक्षनाथ का आशीर्वाद राज संस्था, नेपाल की जनता और यहां के विकास और यहां की समृद्धि के प्रति हमेशा रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति।